क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो ये रोड आज की नहीं बल्कि बहुत देर से पहले ये यहाँ से डैमेज हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन की वीआईपी मूवमेंट भी यहाँ से ऑलमोस्ट होती ही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके बाद तहसील ऑफिस है, ट्रेजरी है, जे एंड के बैंक, स्टेट बैंक और जितने भी ऑफिसेज हैं यहाँ पे लोग आते हैं। अक्सर देखने में ये देखा जा रहा है कि ये रोड डैमेज हुए काफ़ी अर्सा हुआ है, लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे आला अधिकारी इसको ठीक करवाने में कोई पहल नहीं कर रहा। हमारी नए डीसी साहब से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इसको ज़रा गौर फरमाएंगे और इस रोड को रिपेयर करवाने में और जो टूटी हुई दीवार है इसको रिपेयर करवाने में जल्द से जल्द कोई स्टेप उठाएंगे। हम उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो ये म्यूनसिपैलिटी वालों को भी हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आम शहरियों की तरफ से, ये जो यहाँ पे इन्होंने एक नाला बनाया है इसको भी थोड़ा देखा जाए कि किस हिसाब से बना है, इसका पानी जो है वो कहाँ जा रहा है। जो साथ में शमशान घाट की भूमि है इस पर भी मैं म्यूनसिपैलिटी वालों से अपील करता हूँ कि यहाँ पे टाइल्स डाली जाए ताकि आए दिन कोई ना कोई अनहोनी घटना यहाँ होती है तो लोगों का यहाँ बड़ा शमशान घाट तक पहुँचने में बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि रोड काफ़ी टूटी फूटी रोड तो है ही। साथ में ये जो यहाँ पे आप नीचे ग्राउंड देख रहे हैं इसकी कंडीशन भी बड़ी खस्ता है। अगर कहीं बारिश हो जाती है तो जो लोग शमशान घाट पे आते हैं किसी की अर्थी के साथ, एक तो उनके कीचड़ से कपड़े भरे जाते हैं, दूसरा देखने में यहाँ है यहाँ पे जो कुत्ते मरे हुए हैं उनके स्केल्टन यहाँ पड़े हुए हैं। दो दिन पहले यहाँ पे एक डेथ हुई थी, वहाँ पे कुत्तों के स्केल्टन पड़े हैं और कुत्तों के स्केल्टन में से अर्थी को निकालना इतना मुश्किल था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये मीडिया वाले खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकते हैं कि ये म्यूनसिपैलिटी यहाँ क्या कर रही है। कम से कम म्यूनसिपैलिटी को ये चाहिए कि कम से कम शमशान घाट की साफ़ सफाई में तो थोड़ा ध्यान दिया जाए। जिस तरह से सुबह शाम लोग इवनिंग वॉक हो मॉर्निंग वॉक हो आते हैं, तो ये हादसा हो सकता है ये जो रोड गिरने को जा रही है? देखिए सर, ये तो मीडिया वाले हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि रोड जो नीचे से बिल्कुल खोखली हो चुकी है और वहाँ पे एक बोर्ड भी शायद लगा हुआ है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कीप राइट वॉल इज़ डैमेज। देखो, वॉल इज़ डैमेज मतलब कि वॉल तो टूटी हुई है, लेकिन इसको रिपेयर कब किया जाएगा ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, ना कि मीडिया वालों को देखना है, ना कि जनता को देखना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये उन्हीं को संभालना है, ये उन्हीं को देखना है, लोगों को सेफ रखना, लोगों की सिक्योरिटी सेफ्टी जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ है। और एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम लोगों की जान को जोखिम में ना डाल के इसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए और लोगों को इस मुश्किल का सामना करने से बचाया जाए। بہ جناب روزان پشوار اسہ پتم پنژہ دہ پہ پاور حس اچھا ٹرانسفارم پرابلم حس ٹرانسفارم ارتر گرز دیا ٹرانسفارمس حس تو اچھا ترہٹ کے وی ٹرانسفارم تھی سہ لوڈ دران تت کہین تہ وتنس پتم دہ تری لٹہ پہ تو سمکھا نصیر صاحب ات ام کور تھوڑا بہت ات بھرپور مدتہ یتنس مطلب ام کور ہاتھ کے وی حس سینکشن حس بہ دا ہاتھ کے وی تہ گئی مین کم وس یت شین مز اون اس نصیر صاحب یتنس یہ مہربانی ونکن آو یتنس شکر گزار ام سند یتنس ونکن آو اس یتنس یم مے ست کھل مے نفر اٹھ دہ اس کھت امی ٹرانسفارم موجود اس گئی پنچہ دہ پاور رستی ویسا میں آپ کو بتاؤں آپ کے مدھیم سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مہینے سے نہیں یہ پچھلے 70 سالوں سے بجلی کے بغیر ہے آج بھی 70 سال ہو گئے اس کے بغیر بھی آج یہ بجلی کے بغیر ہے آج یہ یوتھ آج یہ پشوار کے لوگ ہمارے پاس آئے بہت ہی مصیبت میں ایک مہینے ہو گئے ابھی تک ان کا بجلی نہیں تھا دراصل ان کا جو ٹرانسفارم وہ 63 kV کا تھا اور آج ہم نے ایگزام صاحب سے بھی بات کی آج ہم نے
इस AW साहब से भी बात की तो उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर दिया और उन्होंने शुक्रिया मैं उनका करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर मौके पे यहाँ पर ट्रांसफार्मर इनका दिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ ये लोग रोज़ बेचारे सफ़र करते हैं, चलो ये किसी दूसरे इलाके के नहीं है, ये किसी श्रीनगर के लोग नहीं, ये हमारे ही लोग हैं। अगर इनसे पहले यह ट्रांसफार्मर होते आज भी बेचारे वो ट्रांसफार्मर मांगते हैं। मैं इनके लिए आया हूँ यहाँ पर बर्फ़ इस वक्त, ये बेचारे सुबह से आए, कोई मजदूरी था कर रहा था वो वहाँ से सुबह से आया इस बर्फ़ में, मैं इनको यहाँ पर आया और मैंने इनको यहाँ पर थोड़ी सी मदद की। मैं गया एग्जल साहब के AW साहब के और उन्होंने भी मुझे वहाँ पर ताउन दिया और अच्छे तरीके से इनका जो ट्रांसफार्मर है, बोला नसी साहब आप इनका जो ट्रांसफार ले लीजिए अभी, तो इंशाल्लाह इनका वो प्रॉब्लम। मगर दरअसल अगर हम देखेंगे ये बेचारे जो है मुसीबत में पड़े हैं अभी तक 17 साल के बाद भी ये पानी बिजली के बगैर पानी के बगैर। पुशवार वाहिद वो इलाका था जो सबसे पहले वोट डालने के लिए निकलता था, पुशवारी वो इलाका था जो अपने जान पर खेलता था और फिर पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए जाता। हम आज सियासत नहीं करेंगे, आज इस पर सियासत नहीं, चाहे मेरे पास पुशवारी का आएगा, चाहे बोन का आएगा, चाहे गुण का, जितना भी एरिया है हमारे सोनावारी वो मेरे पास आएगा, चाहे बर्फ़ हो चाहे बारिश हो मैं उनको साथ आऊँगा, हर टाइम हर वक्त मैं उनके साथ हूँ और इन गरीबों के साथ हूँ। आज इनका जो ट्रांसफर में अभी अपनी जो हमारी पार्टी है BJP इंशाल्लाह अभी रविंद्र रैना साहब अशोक जी साहब से मैं आज ही उनसे बात करता हूँ, हम भी कुछ ट्रांसफार्मर जो है उनको सेंक्शन करवाएंगे और अपने जितने भी हमारे लोग जो इनके बगैर जो महरूम है अभी बिजली से उनको हम ट्रांसफार्मर करवाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ मेरे मतलब चाहे कुशवारी मेरे करीब है, मैं चंद्रगिरा के लिए भी अवेलेबल हो, जो भी हमारे सोनावारी के जितने भी लोग हैं उनके लिए भी अवेलेबल हो। मैं कहता हूँ मेरे पास आए भाई साहब, जो मुझे कॉल करेगा जो मुझे बताएगा भाई साहब ट्रांसफार्मर नहीं है, तो मैं तभी तो मुझे पता चलेगा, मैं कोई फिरिश्ता नहीं हूँ तो कि मुझे पता चलेगा किस एरिया में कौन सा ट्रांसफार्मर खराब है। जब मुझे कोई कॉल आएगा, जब मुझे मैं ये कहना चाहता हूँ जो नए वर्ष के बाद बरसात हुई है उसके ज़रा बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई है, साइडों पे बर्फ़ पड़ रही है पहाड़ियों पे, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सर्दी हुई है, तो सुबह की बरसात ही लगी हुई है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, अभी सुबह की आग जलाकर सेक रहे हैं, सर्दी बहुत ही ज़्यादा है सर्दी लगी हुई है। जी छुट्टी थी साड़ी जद्दोजहद चला दी है वो वास्ते जी साड़ी लड़ाई अहें जी शुरू की थी है अज वो पक्ष में अज इतने सुहांजना ग्रां अस आए हैं इतों के जोड़े लगभग 5-10 ग्रां के जो मौजूद लोग असें इतने बुलाए दे इन्हें आनी है कि जी साड़ी 10 तरीक एक महा अंदोलन जरा शुरू करा दें महाराजा हरि सिंह की छुट्टी तई युवा राजपूत साहब ने बेड़ा चुके लड़ाई वास्ते इन्हें साड़ा समर्थन किया इतों के सरपंच पंच साहब इन्हें भी साढ़े आश्वासन किया कि 10 तरीक ये भी शाना बसाना 10 बजे तवी वाले पुला पर आनी है जी इस सरकार को जी अं छुट्टी की उम्मीद जी बिल्कुल खत्म हुई थी वो ये समर्थन करगन कि जे सरकार की अस हूँ मजबूर करके कि आने दिलों के अं छुट्टी देो तो जो फिर लोगों को अपनी छुट्टी करा लग क्योंकि जो लारे लपे दिन वो दूर हो चुके हूँ असें एक मन बनाई लेना कि जो धोड़ी अं सरकार छुट्टी नहीं दी है असें शाना बशाना तवी वाले पुला पर जाइए उत्थे बैठना है वापस नहीं आना जब तक छुट्टी नहीं थोग जो अं छुट्टी थोग आश्वासन पूरा पक्का यकीन हो कि हूँ अं इन्हें छुट्टी देनी है अदू अस तवी वाले पुला पर उठ के नहीं तो अं पक्के टेंटे की तैयारी एक एक नौजवान जो इतों का उन्हें प्रण किया कि अस युवा राजपूत सभा करने हैं खास करिए ये कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है इस मुद्दे पर जम्मू के लोग सारे जम्मू के डोगरे मैं खास करिए फिर एक बार आखूँ ये जम्मू के डोगरे की आन बान और शान की लड़ाई है ये सारे लोग
हाथ जुड़िए सारे लोगों के विनती करने हैं कि आने वाली 10 तरीक ही 10 बजे युवा राजपूत सभा का महाराजा हरि सिंह की छुट्टी लेने दी तो साथ दियो। जय हिंद, जय भारत। जय देव। आज साढ़े ग्राम सभाजना साढ़े युवा राजपूत सभा के प्रधान हैप्पी जी इन सभा युवा राजपूत सभा के चेयरमैन रघुवीर सिंह जी और इंदे कन्नै आई दी पूरी टीम साढ़े बड़े भरा रजिंदर सिंह जी, मुकेश जी और जिन्ने भी साथी आए दे इंदा सारे दा पंचायत सभाजना विच ग्राम सभाजना च मैं वेलकम करना। और अस मैं सरपंच बलवीर सिंह पंचायत सभाजना दा मैं इंदा वेलकम करना। और अस इंदे कन्नै बिल्कुल साना बसाना खड़े हाँ क्योंकि ये जिहड़ी मुहिम पिछले 6-7 साल दी इन्हें सेड़ी दी है, इन्नी एजिटेशन भी करती है सरकार अगर रिक्वेस्ट भी करी करी अस थकी हैं 6-7 साल दे सरकार दे कन्ने च रूनी रेंगा दी। अस सरकार अगर फिर एक बार अपील करने हैं कि ये जिहड़ी साड़ी एक जेन्युइन डिमांड है, ये कोई साड़ी परसनल नहीं है, पूरे जम्मू की ड्यूटी की डिमांड है। जिहड़े साढ़े महाराजा हरि सिंह हे वह एक साड़ी स्टेट के मालिक हे, उन्दे अगर जन्मदिन उपर एक छुट्टी घोषित नहीं करी सकते तो और कोदे उपर करनी है। अस सरकार की एक बारी फिर रिक्वेस्ट भी करने हैं और सख्त चेतावनी भी दिने कि उनके जन्मदिन पर छुट्टी घोषित की जा, नहीं तो जेड़ा हुण आने वाली 10 तरीक है अस पोल पर तब तक बैठे रहोगे जब तक सरकार अहीं बिल्कुल पक्का आश्वासन। परसों जिस दिन श्रद्धांजलि अर्पित हमने की थी उस दिन शायद मैंने एक बात कही थी, मुझे पूरा याद है कि मैंने ये कहा था कि घटना कहीं भी हो उसका सिला फैक्ट्री बॉय पड़ता है, यात्रा पे पड़ता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि भी गाड़ी ऑटो वाला चला रहा है, उसने ओवरलोडिंग की हुई है, कहीं एक्सीडेंट मार देता है, या जिस तरीके से हमारे बैन वाले आजकल मैक्सिमम हमारे कटरा के अंदर इलीगल गाड़ियों की इतनी भरमार है, मैं कह नहीं सकता। आप कहीं बस स्टैंड पर खड़े हैं, पैदल चल नहीं सकते, आप किसी शहरदार से पूछ लीजिएगा, बाजार के अंदर इस तरीके से चलते हैं वो लोग, मतलब गाड़ियों की रफ्तार इस तरीके से होती है कि एक बंदा नीचे आया गया है, इस तरीके की बात है। और डर के लोग चलते हैं बाजार के अंदर। और मैंने ये कल मैं अब परसों मैंने ये कहा था आपसे कि इंसिडेंट कहीं भी हो ब्लेम माता रानी को करते हैं। जहां पे बस वाला अगर कोई नशा करके बस चला रहा है, एक्सीडेंट हो रही है, जहां पे नुमाई में मारता है, अगर वहां पे कोई कैजुअलिटी होती है तो लोग माता को ब्लेम करते हैं। अगर कोई पत्थर गिरने से वहां पे कोई हादसा होता है, लोग माता को ब्लेम करते हैं। अगर यहां पे कोई ऑटो वाला कोई बंदे को मार देता है, लोग माता को ब्लेम करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि माता का क्या कसूर है? कसूर हमारा इंसान का है। भाई मैं नशा करके ऑटो चला रहा हूं, मुझे कोई चेक करने वाला नहीं है, मैं बैन जहां पे चला रहा हूं नशा करके बैन चला रहा हूं, मुझे कोई चेक करने वाला नहीं है। मेरे से कोई हादसा हो जाए, कोई बंदे की बाजू टूट जाए, एक यात्री यहां पे आया है, वो दिल्ली से आया, महाराष्ट्र से आया, कल उसको कहीं चोट लगेगी, वो माता के उसके दिमाग में है मैं माता के जा रहा हूं, तो उसको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो उसकी श्रद्धा मैं सोचता हूँ श्रद्धा भंग हो जाएगी। वो माता को ब्लेम करेगा कि माता रानी मैं तेरे द्वार में आया था, मेरे बच्चे को चोट लग गई, मेरे को फलाना हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें भी सोचना चाहिए कि कटरा के अंदर जो गाड़ियां चलती हैं, जो इलीगल तरीके से गाड़ी चल रही हैं, वो बंद होनी चाहिए। मेरी पूरी अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, इनके ऊपर जल्दी से जल्दी निगाह डालनी चाहिए। दुखद घटना हुई है, मैं सोचता हूं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। यात्रा पे कंट्रोल होना चाहिए, यात्रा कम से कम 25,000 से 30,000 यात्रा जानी चाहिए। मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको कि अगर 25,000 से 30,000 यात्रा ही जाए वहां पे 24 घंटे में, 24 घंटे में 30,000 यात्रा छोड़ते हो अगर आप लोग, 24 घंटे के अंदर 4 घंटे पूजा के लिए, 20 घंटे यात्रा, 1500 आदमी को 1 घंटे में यात्रा हो सकती है, और एक आदमी के हिस्से 2 सेकंड आएंगे, 2 सेकंड आएंगे। जो यात्री दिल्ली से आया है, जो यात्री महाराष्ट्र से आया है, जो यात्री गुजरात से आया है, जो यात्री देश के किसी कोने से भी आया है, उसके लिए 2 सेकंड माता के द्वार में दर्शन करने लिए ज्यादा नहीं है। मैं ये समझता हूं कि 2 सेकंड भी ठीक है। उसके अंदर अगर आपके कहीं कोई बीबीआई पे आ जाते हैं, वो भी उनको टेस्ट करना है। तो मैं ये समझता हूं कम से कम
यात्रा जो है 30,000 से ज़्यादा नहीं छोड़नी चाहिए ऊपर, और 30,000 रुपये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए 30,000 यात्रा। और खुद मैं ये कहूँगा श्राइन बोर्ड ने जितने भी यहाँ पे कंपनियों वालों को ठेके पे दे रखा सब कुछ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कंपनियाँ जो बाहर से आई हैं, जैसे यात्रा पर्ची कंपनी को दे दी है, सफाई कंपनी को दे दी है, जब किसी और कोई काम सिक्योरिटी जो प्राइवेटाइजेशन की है, मैं सोचता हूँ कि इनको इमीडिएटली उनसे संबंध तोड़ के अपनी भर्ती करनी चाहिए श्राइन बोर्ड को, और रोजगार लोगों को देना चाहिए, लोगों उनको देना चाहिए जिनको पीड़ा है, जिन्हें इस स्थान से दुख दर्द पहुंचा है। जो स्थान देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, बारीदार कहाँ कहाँ रहते हैं, बारीदार ये माता की पहाड़ी है, बारीदार यहाँ पे रहते हैं, बारीदार पूरे तीनों चारों साइड में बारीदार रहते हैं, और बारीदारों की आबादी कोई ज़्यादा नहीं है, 20 से 25,000 जाते हैं सारे की आबादी सारी हमारी यही है, और पिछले सालों से मीर मुझे लगता है 20 से 25,000 भी, मैं कुछ 25,000 ही होगा, 25 रुपये कहूँगी, आज से कोई 5-6 साल पहले मैंने एक अपने तौर पे एज ए बारीदार के प्रेसिडेंट के तौर पे मैंने गणना कराई थी, तब हमारी 22,000 कुछ आबादी थी सारी, आज 25 हो गई होगी, तो 25,000 जो हमारी आबादी है वो सारी सराउंडिंग माता की पहाड़ियों के पीछे रहती है, आगे पीछे रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं इनको यहाँ से छुट्टी करके बारीदारों को बच्चों को नौकरियाँ दी जाएँ, ताकि उनका रोजी रोटी चले और उनको दर्द पीड़ा है अपनी जगह से। ये बॉर्ड लाडा जी बेचारे गए ने, सानू फकर है चलो सर ऐसे वर्कर का कि जेडे डैथ तू मतलब 5 मिनट 10 मिनट पहले उसने गल कही भाई PDP दे नाल सांझ रखियो। अच्छा। और दर साहब का टेलीफोन नंबर लिख के दिता उसने कि भाई उन्होंने तुसी कॉल करके दे साड़ा ये मैसेज कर। असी उन्होंने डैथ से गए
और जो छाड़ा झंडा उन्होंने वो बाहर रखा और जो दूसरे कपड़ों में बेच पाए और सानू फकर है कि साड़ा बड़ा जी साथी साढ़े को चला गया। लेकिन दूसरा फकर है कि जिस दिन मुबा जी गई तो असी कोल बैठे सन और माँ यह गल कह रही थी कि मुबा जी ये जड़े मेरे बच्चे ने ये हूँ थोड़े तो वाले ने यह थोड़ी तो पार्टी ने चलन गए एक इनका भांजा से ये बेचारे नरेंद्र जी रो रहे ने करें सर करें भाई साहब थोड़ा थोड़ा पीछे चौधरी साहब सामने सामने मेरी गल सुनो फोटो बाद कर लेंगे ना सामने आगे सामने आगे सामने आगे भाई बंद जाओ सर थोड़ा 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 जगह दे दो ना कुछ नहीं सामने सोनू जी सामने हम नहीं आप यहाँ रहो हम सारे बारिश में रहेंगे कोई परेशानी आप यहाँ पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी खैर मुकदम नाजरीन आपको जेके न्यूज ब्रेक्स में बात करेंगे महकमे मौसमियात की। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से बर्फबारी गिर सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त हम सुंबल सोनावारी के एरिया में है। आप देख सकते हैं मेरे साथ जिस तरीके से बर्फ गिर रही है, महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी वो बिल्कुल सूदमंद साबित हुई। नाजिन बात करेंगे जिस तरीके से हमारे खेत खलियान को पानी की बहुत जरूरत होती है या बर्फ जो है ये पहाड़ों में काफी तादाद में गिर रही, फिर वो एक बेबाह खजाना वहां पर बनकर मौसमी गर्मा में पिघल कर नदी नालों में बहता है और लोग जो है खेती की काश्त करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ कैमरा में से कहता आप दिखाई जिस तरीके से बर्फ जो गिर रही है किस तादाद में गिर रही। आज सुबह सवेरे से ही बर्फ गिरना शुरू हुई और अब तक 2 इंच बर्फ जो है वो मैदानी इलाकों में इस वक्त जमा हुई है। नाजिम बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि आप किस तरीके से बर्फ की जो खुशी महसूस कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम उमर है, मैं बांडीपुरा में रहता हूँ। जिस तरीके से पहले ही मैट डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट कर रहा था कि बर्फबारी होगी, मगर मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं हो रही थी, तो आज कल रात को ही बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी हुई, तो मुझे ही नहीं बल्कि सभी लोगों को खुशी महसूस हुई इस बारे में। आप मुझे बताइए जिस तरीके से इससे पहले भी महकमे मौसमियात के डायरेक्टर ने भी ऑपरेशन गोई की थी कि बर्फबारी हुई लेकिन उस टाइम नहीं हुई, आज बर्फबारी की पेशन गोई की गई थी लेकिन आज बर्फबारी हुई, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बहुत ही खुश है, मैं ही नहीं बल्कि वादी के जो सभी बाशिंदे हैं वो खुश हैं, क्योंकि ये बर्फ जरूरी होती है, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो उसमें बहुत ही जरूरत होती है बर्फ की, तो सभी लोग खुश हैं क्योंकि इससे पहले भी मैट डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट किया था कि बर्फबारी होगी मगर उस तरीके से नहीं हो रही थी, मगर कल शाम से ही मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई तो खुशी की लहर पूरे इलाके में पूरे कश्मीर में दौड़ गई। नाजी ये थे यहाँ की जो आवाम थी, मैंने उनसे बात की, कहा कि खुशी का जो माहौल है इस वक्त समा है पूरे कश्मीर में, जिस तरीके से बागबानी का शोभा हो या हो एग्रीकल्चर का फील्ड। कैमरामैन उमर अब्दुल के साथ बांडीपुरा से। प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, आर जे आर के पीओजे के 1947 आपकी इंटेलेक्चुअल फॉरम दे मैं सारे आए भी दादा से एक ही बड़ा ब्रोकर है। हम तो ये बड़े खुशनसीब हैं कि बारिश से यहाँ कदम
आया बारिश का पड़ा, यहाँ पे बूंदे पड़ी, जिससे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ बीमारी फैलने का ज़्यादा खतरा था, खुश्की थी, यहाँ पे कोरोना के आपको लग रहा है ज़्यादा ही था, तो लग रहा है ठंड की वजह से लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा राहत मिलेगी लोगों को। हम यही चाहते हैं कि फिर भी अपना जो है कि लोग प्रेस करें और यहाँ कोरोना का पूरा पालन करें, क्योंकि प्रेस करना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी फैमिली के लिए ज़रूरी है। तो यही विचार करते हैं, ठंड है, अपने बच्चों को घर में बिठाए आराम से और खुद अपने आराम से एंजॉय करें घर में बैठ के। थोड़ी मदद है मेरी तरफों, ठीक है, बाकी भी करके जो लोगों की भी आ गया अस एक वो दे देना, उधर से कोटी पाई लो, ठंड है इसलिए जान है, तो सब कुछ है इन्हें ठंडू भी पाए का कख नहीं, तू मां मेरी है अजकल आकड़ी आ रहे लोग ठंड में। कोई गल नहीं है, जिन्हें भन्ने दा ना उसी बनाना भी आता, पहले माता जी पवाना मैं एक टोपी माता ठंड च जागे ना बजी फोटू शोटू बतेरे मदद करगे, सब सब करनगे, कोई करे नहीं कर, परमात्मा करगे मदद, कुड़ी आ चल तू भी पा, मां तेरे आते आने हमें मेरी भैन घबराया नी, सब रब दे लै कुड़ी स्टोल सके, थैंक यू जी और